जो बचा है प्रेम मंदिर जो है यहाँ से वो बचा है खाली बस 13 किलोमीटर, ठीक है। देन कट आ गया हमारा 13 किलोमीटर और जाना, क्योंकि प्रेम मंदिर हम लोग को जाना था, ठीक है। तो मैंने वहाँ तक का आपकी लोकेशन रखी हुई थी। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो फाइनली गाइस, क्या है कि अभी बजे हैं 7, तो अभी मुझे डलवाना है पेट्रोल, क्योंकि ये जो मेरी रोड ट्रिप है वो फर्स्ट रोड ट्रिप होगी। इससे पहले एक रोड ट्रिप मैंने की थी, लेकिन ये जो पहली रोड ट्रिप है, सबसे लंबी रोड ट्रिप है मेरी, फर्स्ट वो भी होगी अपनी हीरो स्प्लेंडर के साथ, जो कि दिल्ली टू मथुरा वन वे होगा, मतलब एक दिन में ही हम लोग को वापस भी आना है। तो फाइनली अभी चलते हैं, डलवाते हैं अपनी बाइक में पेट्रोल, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को रोड का नज़ारा। तो आ गए फाइनली हम लोग पेट्रोल पंप पर, डलवाते हैं पेट्रोल। डलवाने के बाद चलते हैं सीधा अपना, मिलते हैं रोड पे, तो दिखाते हैं आप लोगों को पूरा रूट का नज़ारा। पहले सबसे पहले क्या है कि डलवाते हैं पेट्रोल। तो फाइनली भैया गए हैं बहुत हम लोग साथ में, मैं डलवाना हम लोग को पेट्रोल। पेट्रोल डलवाने के बाद लगवाते हैं मैप अपना, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 7:07, उसके बाद चलना हम लोग को सीधा मथुरा वृंदावन कवर करेंगे आज। तो सारे लोग मज़ा आएगा आज की पहली जो रोड ट्रिप है उसमें, आप लोगों को दिखाते हुए चलेंगे। तो आप लोग आखिर तक देखते रहना पूरी वीडियो, कैसा रहता है रूट, कैसे आना, मैं आप लोगों को पूरा रूट जो है वो समझाता रहूँगा। का उतर तुम दोनों, फुल करवाऊंगा मैं, फुल करवाऊंगा, कम ना पड़े ना मेरे में, बाद में मिलेगा क्या? बाद में नहीं, ये डलवा के चलते, क्या दिक्कत है, बाद में तो डलवा नहीं पड़ेगा, लंबा रूट। अभी कहाँ चलोगे यहाँ से? मथुरा उतरेंगे, मत जाओगे कहाँ पर मथुरा उतरने बाद? बाकी बिहार जाओगे, वृंदावन प्रेम मंदिर। आई डोंट हैव आइडिया भाई, सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? पेमेंट भी मैं वीडियो बना लूँगा ना, फिर मेरे को पेमेंट करने में निकालना पड़ेगा। दो सौ उनचास काशी वैसे फुल हो रही भाई, आपके टंग के भर रहा पतेले इसमें से। जितना होता नहीं करता ना, आ तो जाएगा अंदर था ना। तो फाइनली गाइस डलवा लिया हमने पेट्रोल। पेट्रोल डलवाने के बाद अब सीधा लगा लिया वृंदावन प्रेम मंदिर का मैंने मैप अपना, क्योंकि जाना है वहाँ पे एक्सप्लोर करना है। उसके बाद मस्त अभी पहली रोड ट्रिप है, खैर आएगा मज़ा बहुत ज़्यादा। यहाँ से 138 किलोमीटर है यहाँ से प्रेम मंदिर है, जो कि हम लोग को करना है कवर। एंड देन अभी हम लोग ने डलवा लिया है पूरा, पेट्रोल लगा लिया है अपना पूरा सेटअप पूरा। देन अपनी जो मैप है उस मैप को लगा लिया है, बाकी मुड़ना तो है नहीं कहीं, क्योंकि जो एक्सप्रेस वे गया है वो सीधा दिल्ली टू मथुरा गया हुआ है फिलहाल। तो ग्रेटर नोएडा भी हम लोग को जाना है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा से जो कट है वो कट बना हुआ है। जब मैं मुड़ूंगा आप लोगों को ग्रेटर नोएडा में कौन सा कट है, मैं आप लोगों को पूरी तरीके से समझाता हुआ चलूँगा। वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर आप लोग देखना, इससे आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा किस रूट पर कैसे क्या चलना है, हम लोग को कितने टोल लगते हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करता हुआ चलूँगा। तो फाइनली अभी हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, सामने चल रही है बस, देख रहे हो बस जो चल रही है अभी। तो बस चलने के बाद इसको हम लोग क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद फाइनली अभी चलते हैं हम लोग सीधे जो बगल वाला हाई एक्सप्रेस वे देख रहे हो, उस वाले एक्सप्रेस वे में मेरे को चढ़ना है अभी। तो नॉर्मल सर्विस रोड पर चल लेते हैं, फाइनली आ गए हम लोग यहाँ पर हम लोग। तो अब सीधा हम लोग ने वो वाला जो हाईवे में बता रहा था आप लोग, वो वाला हाईवे जो हम लोग ने पकड़ लिया, अब सीधा हम लोग की जो स्पीड है, यहाँ की गाड़ी बहुत तेज चलती है, तो हम लोग को तेज़ी भगानी पड़ेगी। फाइनली अभी तो चल रहे हैं, अभी तो ग्रेटर नोएडा आएगा, ग्रेटर नोएडा आने के बाद अपन सीधा चलेंगे एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के बाद ही एक्सप्रेस वे आता है, कुछ दूर पे ही है एक्सप्रेस वे। तो फाइनली ग्रेटर नोएडा के आज के हम लोग आने वाले हैं, हम लोग आने वाले के बाद भैया को छोड़ दिया है मैंने पीछे, आराम आराम से आएंगे अभी अपन। हम लोग चलते क्योंकि साथ में मेरे भैया जा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ, जैसे आप लोग देखोगे पेट्रोल पंप पे। देन अभी चलते हैं हम लोग फाइनली और दिखाते हैं आप लोगों को पूरा। Thank you.
तो फाइनली गाइस क्या है कि हम लोग आने वाले हैं ग्रेटर नोएडा का जो कट है, कट आने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जो एरिया है मतलब कहां से चढ़ना है वहां पे मैं स्टॉप लूंगा। स्टॉप लेने के बाद आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा, क्योंकि जो आप लोग लेफ्ट साइड कट देख रहे हैं यही कट सीधा जाता है, ये जो एक्सप्रेस वे पे कट चुका है मेन हाईवे, क्योंकि अगर हम लोग सीधा जाते हैं तो आप लोग ग्रेटर नोएडा पहुँच जाते हैं मेन ग्रेटर नोएडा। अदरवाइज सामने आप लोग बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ बाकायदा कि कितने किलोमीटर है, कितना किलोमीटर जाना है, ठीक है। मैं आप लोगों को वैसे ही बता दूँ, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे जेवर 38 किलोमीटर, अलीगढ़ 100 किलोमीटर, मथुरा 126 किलोमीटर, यहाँ से तो हम लोग ऐसे 126 किलोमीटर जाना है। आगरा हम लोग को अभी जाना नहीं है, क्योंकि आगरा का ब्लॉग आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। फाइनली अभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, आप लोगों को पूरा हाईवे में दिखाते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों को जो मेन हाईवे है वहाँ मिलते हैं आप लोगों को। तो पहले बे ने क्या है कटवा लिया है टोल, टोल का दम पैसे दे दिए ना, ठीक आगे कर लो पूरा। अरे एक्सीलेटर मतलब स्टार्ट हो जाएगी, ये रेट है आके। सो फाइनली गाइस टोल जो है यहाँ का कट चुका है, ठीक है। जो यहाँ का टोल का प्राइस है वो 215 है आने जाने का, क्योंकि यहाँ से जेवर से मथुरा गया 215 रुपये यहाँ पे, देख लो दिखा देता हूँ आप लोगों के, यहाँ से 215 रुपये का टोल यहाँ पे कटा है, ठीक है। तो अभी हम लोग को जाना है, और ये जो स्लॉट होता है 24 घंटे का होता है, 24 घंटे का होने के बाद अब चलते हैं यहाँ से फाइनली, मतलब 24 घंटे से पहले पहुँच जाएंगे, अभी चलते हैं फाइनली आप लोग। तो फाइनली गाइस क्या है कि अभी कटवा लिया आप लोगों ने पूरा टोल, टोल कटवाने के बाद अब इसके बाद एक और टोल पड़ेगा, उसके बाद क्या है कि हम लोग को जो मथुरा का जो कट है वो आता है, दो टोल पड़ते हैं आने जाने में। तो आने जाने का क्या है, अगर 24 घंटे का है, अगर 24 घंटे से ऊपर होता है तो आपको दोबारा से जो पर्ची है वो कटवानी पड़ेगी। तो सर फ़ायदा नहीं है कि हम लोग का जो ये ट्रिप है वन डे ट्रिप होगी, तो वन डे ट्रिप में क्या है हम लोग को वापस भी आना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने आने जाने का दोनों को ले लिया है, ठीक है। दोनों को लेने के बाद क्या है कि वन डे में हम लोग आएंगे और जाएंगे, तो वहाँ घूमना भी हम लोग को तो थकने वाला तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ फिलहाल, लेकिन कोई इशू नहीं है, भगवान साथ में है तो उनके के दरबार पे तो जाना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे। तो फाइनली गाइस क्या है कि अब यहाँ से बचा है, क्योंकि आ गए इस वाले कट पे, ये कट जो है
सामने दिख रहा है ये जो कट है, कट यहाँ से हम लोग को लेफ्ट मुड़ना है, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट मुड़ने के बाद आपका आ जाता है यहाँ पे, अगर देख पाते हो यहाँ से पेट्रोल पंप दिख रहा है, पेट्रोल पंप मैं गाड़ी बंद कर देता हूँ पहले, मैं पेट्रोल काम करके जा रही हूँ। यहाँ से जो बचा है प्रेम मंदिर जो है यहाँ से, वो बचा है खाली बस 13 किलोमीटर, ठीक है। देन कट आ गया हमारा 13 किलोमीटर और जाना, क्योंकि प्रेम मंदिर हम लोग को जाना था, ठीक है। तो मैंने वहाँ तक का आपकी लोकेशन रखी हुई थी, अभी यहाँ से कट आ गया। यहाँ से हम लोग को नीचे उतरने के बाद 13 किलोमीटर जाने के बाद फाइनली हम लोग ने कवर कर दिया है। हम लोग 17 पे निकले थे, सुबह 7:17 पे निकले थे, फाइनली यहाँ पे पहुँच गए 10:41 पे, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा टाइम लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा खैर पहुँचने में। अभी चलते हैं यहाँ से नीचे, तो मिलते हैं आप लोगों को फिर अगले नए वाले ब्लॉग में। जब तक के लिए सब अपना ख्याल रखें, सभी को मेरी तरफ से राम राम। चाहते हैं तक अगर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर अच्छी लगी हो आप लोगों को वीडियो, तो बाकी आप लोगों को भी चलते हैं दिखाते हैं।